श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडव के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुँचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसू की बाढ़ से बहते पांडव का भी दिल भर आया। गांधारी पांडव को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं जिसकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की, क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जरा जाकर पूछो, जिसने अपने सातों बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा था। इसके बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगी और यादव वंश का भी एक भी इंसान एक दूसरे के खून के प्यासा हो जाएगा। यह कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। श्री कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ली, गांधारी को उठाया और कहा, माते आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन यह सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते हुए समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांब गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। यह देखकर ऋषि मुनि भड़क गए और उन्होंने सांब को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांब बहुत डर गया और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांब को इस श्राप से बचने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वह एक तीर का चूर्ण बनाकर उस प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वह श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था वहां एक खास प्रकार की घास उग गई। यह देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारिका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख और उनका रथ बलराम का हल अदृश्य हो जाना शामिल हो गया। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारिकावासी वहां जाकर मदिरा के नशे में चूर होकर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहां हिरण की तलाश में आया। जरा ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझ और तीर चला दिया, जिसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे संतावना दी कि बताया कि कैसी उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली को छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में हमारे हिंदू धर्म से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। और सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव।